पाम संडे पर दिन जब मैं कोयल के रूप में बाहर आया। आज का विचार अतिथि योगदानकर्ता फ्लोरा एक्स का है। खटसा फ्लोरा डॉटसा डेम विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और शांति अध्ययन में डॉक्टरों की उम्मीदवार है। वो मूल रूप से बीजिंग चीन की रहने वाली है और अब साउथ ब्रेन इंडियन में रहती है। पाम संडे के लिए धार्मिक पट। 6 साल पहले मेरे चर्चा के बाहरी हिस्से से वेदी तक पाम संडे का उद्घाटन जुलूस का नेतृत्व करते समय विचित्र में रूप बाहर आया था। ये इसे कहने का एक बेहतर तरीका है, हो सकता है कि मैंने फैसला किया कि यह पूजा पद्धति अधिकतमवादी पाम संडे जुलूस सबसे उपयुक्त दावत का दिन होगा, जिसे मैं हर साल अपनी आने वाली सालगिरह के रूप में मनाने के लिए चुन सकता हूँ। अपने फोटो से परिचित होसना पिली और डेविड भाजप का जाप करते हुए और अपने दाहिने हाथ से तड़ की शाखा को अलसी से लहराते हुए मैंने खुद से कहा और शायद भगवान से भी कहा कि हाँ मैं विचित्र हूँ और हाँ मुझे प्यार किया जाता है। बाहर आने से पहले कई वर्षों तक मेरी कामुकता के साथ समझौता करने का अनुभव आत्मनिरीक्षण और विवेक की एक धीमी और पातनापूर्ण प्रक्रिया थी। इसके विपरीत के समलैंगिक लोगों के बारे में फिल्में सामने आने के अनुभव को कैसे चित्रित कर सकती है। ये तत्काल स्थिति के साथ मेरी कामुकता को महसूस करने का सपोस हल्का सहन नहीं था, लेकिन अगर ये एहसास करना कि मैं समलैंगिक हूँ एक भ्रमित करने वाली और लंबी प्रक्रिया थी तो बाहर आने का विचार और भी था। कैथोलिक और उसके बाहर दोनों स्थानों में समलैंगिक के रूप में बाहर आना मौखिक रूप से पूरी दुनिया के सामने एक बार और सभी के लिए अपनी कामुकता की घोषणा करने जैसा नहीं लगता था, बल्कि उन लोगों के सामने अपनी समलैंगिकता का इंगित करने के लिए संकेता और सूक्ष्म संकेता के संयोजन का उपयोग करने जैसा अधिक लगता था जिन्हें मैं पुष्टि करने वाला मानता था, और अपने अजीब हिस्सों को उन लोगों से दूर रखना जो शायद ऐसा नहीं है। एक विचित्र व्यक्ति के रूप में जीने का मतलब दैनिक आधार पर इन कभी ना खत्म होने वाली अस्थिति और सूक्ष्मता से निपटता है। शायद यही कारण था कि धार्मिक वर्ष के सबसे विशिष्ट गौरवशाली और धार्मिक रूप से असाधारण दिनों में से एक को मेरे बाहर आने के स्वर्णोत्सव के रूप में चुना उचित लगा। पाम संडे के दिन हम यरूशलेम में यीशु के गौरवशाली प्रवेश और उनकी अंतिम मृत्यु का सूक्ष्मचार पढ़ते हैं। एक दोगला पाम संडे के दिन हम घोषणा करते हैं कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, यहाँ तक कि ईश्वर की अपनी मृत्यु तक। जब पाम संडे के दिन मैं अपने और ईश्वर के पास आया तो मुझे यकीन था और इस निश्चयत में आराम से आराम मिला कि ईश्वर मुझसे प्यार करता है जो मैं हूँ, क्योंकि वह मेरे लिए मर गया है। लेकिन आज का सुषमाचार पाठ जो उस धार्मिक वर्ष में मार्ग के सुषमाचार से एक कथा बताता है, जब यीशु ने इस सुषमाचार का अधिकांश भाग अपने समुदाय से मसीह के रूप में अपनी पहचान छुपाते हुए बिताया, खुद को मसीह के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उसे मार दिया जाता है। इस निंदनीय रहस्यों के कारण रोमाधिकारी उसके बाहर आने का परिणाम हिस्सा होता है। अहिंसा और शांति के लिए प्रतिष्ठित एक अक्तवाई के रूप में इसे परिस्पर्श के पांव संडे के साथ मेरे रिश्ते को अनिश्चय बना दिया है। यदि सभी को अपने जीवन में यीशु का अनुसरण करने और आत्मा त्याग करने के लिए बुलाया गया है तो क्या विचित्र कैथोलिक के रूप में हम भी पीड़ा बहिष्कार और शायद मुक्ति के जीवन के लिए भी बुलाए गए हैं, क्योंकि हम यह प्रकट करना चुनौती है कि हम कौन है। क्या हम लिंग और कामुकता पर कई कैथोलिक शिक्षाओं को दोहराते हुए अपने स्वयं के कोष को गले लगा रहे है, या क्या हमें हमेशा जैसे कि अमेरिका में प्रमुख समलैंगिक अख्यानों से पता चलता है कि कहा जाता है कि हम हमेशा समलैंगिक के रूप में सामने आने के लिए तैयार रहे हैं, चाहे इसके परिणामस्वरूप हमें किसी भी संभावित जोखिम या खतरे का सामना करना पड़े। मैं इन सभी सवालों का जोरदार जवाब नहीं मैं देना पसंद करूँगा और उन सभी को बताना चाहूँगा कि जिन्हें संदेह है कि उन्हें बिना किसी सवाल के प्यार किया जाता है, लेकिन पाम संडे और पवित्र सप्ताह की सुषमाचार कहानियाँ और लोग सदियों से इन समस्या की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, एक सरल पुष्टि प्रदान करना कठिन है। उदाहरण के लिए अभी भी नहीं जानता कि पहले से ही इतनी हिंसा से भरी दुनिया में एक प्रेमपूर्ण ईश्वर का आत्म प्रकटीकरण और क्रूस पर मृत्यु हमारी कैथोलिक परंपरा के सबसे पवित्र सप्ताह में से एक है। मैं विश्वास के आधार पर दावा करता हूँ कि फिर से वास्तव में नहीं जानता क्या यीशु की सेवा की पीड़ा और मृत्यु वास्तव में कुछ ऐसी चीज है जिसका हमें हमेशा अनुकरण करना चाहिए। ऐसी दुनिया में जो पहले से ही हत्या पर मौजूद लोगों की अन्यपूर्ण हत्या और मौत से भरी हुई है, मुझे नहीं पता कि हमारी आस्था परंपरा में हिंसा और मौत का पवित्रता के पायदान पर क्यों रखा जाता है। यह समकालीन कैथोलिक को हमेशा अपने स्वयं के कांगसा को गले लगाने के लिए क्यों कहा जाता है।
मैं नहीं जानता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं विश्वास नहीं करना चाहता कि आत्मा त्याग और लंबी पीड़ा ही मसीहा जैसा प्रेम का जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। इसके बजाय मैं अपने सभी सैनिक और ट्रांस भाई बहनों की सुरक्षा, जीवन, सहयोग, आनंद और समुदाय के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं एक ऐसी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ सैनिक बच्चा ना मरे, और मैं एक ऐसी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ मौतों का महिमंडल करने के बजाय शौक मनाया जाए। पैशन कथा में मेरे पति ईश्वर के निरंतर प्रेम की शानदार उद्रोक्षणा के कारण यहाँ तक कि मृत्यु के बिंदु तक मैं पाम संडे के दिन विचित्र बनाकर सामने आया। मेरे लिए मरने वाले यीशु की निश्चितता ने मुझे ऐसा समय में स्वतंत्र दी जब मेरा विचित्र अनुभव और मेरा विचित्र भविष्य स्पष्ट और भ्रमित करने वाला था। मैं अब इतना निश्चित नहीं हूँ कि क्रूस पर मरने वाले अवतार ईश्वर पुत्र की छवि मुझे और अन्य समकालीन लोगों को अहिंसक समलैंगिक विरोधी चर्चा और दुनिया में आशा और आराम दे सकती है या नहीं, लेकिन इस पाम संडे का आने वाली दावत के दिन का मेरा वशिष्ठ समलोकसा जीवन में 6 साल पहले उस दिन के बाद आने वाली सभी अनोखी खुशियां मुझे प्रयास जारी रखने और उम्मीद जारी रखने का एक कारण देता है।